हमारे हर जिले के पास एक प्रोडक्ट है और हर प्रोडक्ट की अपनी एक विशेषता है। जहां चाहा है वहां रहा है, इस कहावत को सच कर दिखाया है खरगोन जिले के किसान उत्पादक समूह टेरा गलेब ने। आज ये समूह न सिर्फ सफल है बल्कि एक जिला एक उत्पाद में चिन्हित खरगोन की मिर्च की फसल को विदेश में निर्यात भी कर रहा है। टेरा गलेब FPO के किसान और फाउंडर श्री बालकृष्ण पाटीदार ने बताया कि हमने सबसे पहले ये पता लगाया कि क्यों खरगोन की मिर्च लोकप्रिय होने के बावजूद विदेशों में निर्यात नहीं हो रही है। किसान भाइयों, मैं बालकृष्ण पाटीदार टेरा गलेब फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी खरगोन का फाउंडर हूं और मैं ग्राम डालकी तहसील सहगांव जिला खरगोन का रहवासी हूं। हम लोगों ने IPM के तहत जो मिर्च उत्पादन होता है वो मिर्च उत्पादन किया है। हमें जवाब मिला विदेशों में प्रतिबंधित रसायनों का उपयोग निर्यात में विफलता का सबसे बड़ा कारण है। इस स्टडी के बाद श्री पाटीदार ने IPM टेक्नोलॉजी के अनुसार 62 किसानों के साथ 500 एकड़ में मिर्च की खेती प्रारंभ की और मुंबई पोर्ट से डालकी के 8 किसानों की कुल 55 क्विंटल यानी 5.50 टन मिर्च का निर्यात का सपना सच हो गया। श्री पाटीदार ने बताया कि टेरा गलेब समूह आज किसानों को मिट्टी परीक्षण में फसल में उपयोग होने वाली तकनीक तथा अच्छे दाम दिलाने के लिए बाजार उपलब्ध कराने की सुविधा भी दे रहा है। हजारों किसानों के लिए प्रेरणा बन चुके टेरा गलेब समूह के फाउंडर श्री बालकृष्ण पाटीदार जी अपनी सफलता का श्रेय किसान पुत्र यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। मध्य प्रदेश के हर एक जिले की जो विशेषता है, हर एक जिले की अलग अलग विशेषता है। कहीं संतरा अच्छा पैदा होता है, कहीं साड़ियाँ अच्छी बनती है, कहीं केला अच्छा पैदा होता है, कहीं बनौसदी है। एक जिला एक उत्पाद एवं उद्यानिकी और कृषि विभाग की नीतियों को देते हैं